आज हम जानेंगे सेक्टर 150 नोएडा में बन रहे लग्जरी एटीएस प्रिस्टीन गोल्फ विलास के बारे में। सेक्टर 150 नोएडा का सबसे पॉशेस्ट एरिया डेवलप हो रहा है और यहाँ पे ज्यादातर सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स और विलास बन रहे हैं। सेक्टर 150 की बात करें तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के भी काफी नजदीक है और फिल्म सिटी जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से प्रोमिनेंट लोकेशन बनता जा रहा है। एटीएस प्रिस्टीन विलास लग्जरी विलास हैं जो एफ्लुएंट क्लास को केटर करते हैं। ये 24 एकड़ का प्लॉट है जिसमें 114 विलास हैं और विलास की कॉन्फ़िगरेशन 350 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड की है। प्रोजेक्ट के अंदर में 9 होल का गोल्फ कोर्स है। प्रोजेक्ट में एंटर करते ही सभी गाड़ियां बेसमेंट में ही चली जाती है जहां पे पार्किंग एरिया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड फ्लोर है जो गोल्फ कोर्स में कन्वर्टेड है वहां पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्ट में 9 होल गोल्फ कोर्स है जिसमें कि 500 स्क्वायर यार्ड के सारे विलास गोल्फ कोर्स को फेस करते हैं। साथ ही में वर्ल्ड क्लास क्लब भी है, इंडोर गेम जिसमें टेबल टेनिस बास्केटबॉल अवेलेबल है, साथ ही में रिफ्रेशमेंट जोन भी है, क्रिकेट अकेडमी और क्रिकेट फील्ड भी प्रोजेक्ट के अंदर में बना हुआ है। इसी के अलावा ओलंपिक साइज पूल और फुटबॉल ग्राउंड भी प्रोजेक्ट के अंदर में मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैंने लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया है, आप भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, इस वीडियो को लाइक करें। सेकंड स्टेप, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थर्ड स्टेप, डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। इस 3 सिंपल स्टेप से आप इस लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 100 लक्की विनर्स का नाम फेसबुक पेज पे पब्लिश किया जाएगा। चलिए अब वापस वीडियो पे लौटते हैं।
अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।